वालेकुम। आज है जैसे 28 जनवरी, आज है समीर का बर्थडे। जैसे कि आप लोग को पता है मेरे बर्थडे पे इतना समीर ने सेलिब्रेट वगैरह किए थे, तो अब ये मेरी बारी है। पूरा साल तो वही गिफ्ट देते, तो आज उनके लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। जैसे मेरे लिए भी मेरे बर्थडे में बहुत से स्पेशल से चीज़ें किए थे, बट आप लोग के साथ समीर ने हर चीज़ शेयर किए थे, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट गिफ्ट क्या लियो वो आप लोग के लिए भी सरप्राइज रहेगा। एंड चलिए आप लोग भी ब्लॉग को पूरा देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। आप लोग का मुझे रिएक्शन लेना है ना समीर के साथ साथ, तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में और जा रही हूँ शॉपिंग करने थोड़ी सी, और फिर जाऊँगी घर पर रेडी होने के लिए। तो चलिए चलते हैं। एंड रास्ते में देखिए हर एक की छठी की। तो भाई अभी मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से, उतर चुकी हूँ ऑटो से, अभी मैं जा रही हूँ समीर से। एक गिफ्ट जैसे आपको दिखा दी, देखिए एक गिफ्ट तो हो गया रेडी, बट इसमें क्या है वो आप लोग को पता चलेगा। इससे तो भाई अभी मैं उतर रही हूँ नीचे, बिकॉज इससे जो पहले वाला जो ब्लॉग था जैसे मेरे बर्थडे का, तो आप लोग को पता ही होगा क्या समीर ने कितने प्लानिंग वगैरह किए थे और आप लोग को ही बताए थे। बट ये ब्लॉग में थोड़ा हटके है, ये ब्लॉग में मैं नहीं बताऊँगी क्या है। समीर के साथ साथ आप लोग के लिए भी सरप्राइज है। तो चलिए जा रही हूँ मैं कुछ और लेने, आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये तो रेडी हो चुका है सेकंड गिफ्ट की तैयारी, चलिए चलते हैं। एंड गाइस, ये है अंडरग्राउंड बाज़ार, जो हम वैसे से ईस्ट के लिए 9 नंबर के लिए जाते हैं, तो नीचे सब बाज़ार लगता है। तो आप लोग भी कभी आइएगा तो शॉपिंग कर लीजिएगा यहाँ से। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्या लेने वाली हूँ लेकिन वो आप लोग को सरप्राइज रहेगा, तो आप लोग को दिखा नहीं पाऊँ। एंड हो चुका है मेरा सब काम, अब मैं जा रही हूँ घर पर। गिफ्ट वगैरह भी ये जो था मैंने रैप करवा लिया। गाइस मैंने जो भी शॉपिंग करना था वो ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ घर पे रेडी होने, उसके बाद मिलते हैं हम समीर से रेडी होके। तो चलिए चलते हैं अभी फिलहाल घर, मुझे जो जो सामान लेना था हमने ले चुके, तो चलिए आप लोग। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि मैं रेडी और जा रही हूँ अपने समीर के पास, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए समीर बैठे हैं, हैप्पी बर्थडे बड्डे बॉय। ये है देखिए समीर की DC, पूरा दिखाओ। ये है उनका आज का आउटफिट। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू समीर एंड समरीन ब्लॉग। तो आज है समीर का बर्थडे ब्लॉग, जैसा आप लोग ने देखा है, मैंने आप लोग को बताया हूँ, मैंने गिफ्ट वगैरह भी ली हूँ, लेकिन क्या ली हूँ या आप लोगों के लिए सरप्राइज है, साथ में समीर के लिए भी सरप्राइज है कि मैंने क्या ली हूँ। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ क्या 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 लिया और कैसा रहेगा ये डे। चलिए ये लिया है मैंने समीर के लिए गिफ्ट, क्या लिया है वो समीर के लिए और आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो चलिए चलते हैं अभी। तो गाइस देखिए समीर का ये आज का आउटफिट है और मेरा भी कुछ ये आउटफिट है, हमारा ट्यूनिंग ही दोनों का देख लीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं ढाबे पे, जैसे समीर को पता नहीं था मैंने बताया आने के बाद, उनके लिए सरप्राइज था, आप लोग के लिए भी सरप्राइज था। अभी समीर के फ्रेंड्स लोग को मैंने इन्वाइट किया था, वो भी आ रहे हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आगे आ गए थे क्योंकि मुझे मैंने शर्ट कैरी किया था बट वो मुझे बहुत थोड़ा टाइट हो रहा था, तो फिर मैंने वो चेंज कराया शॉप पे जाके, तो ये दूसरा लेके आई मैंने, तो इसीलिए हम लोग पहले आगे निकल गए, फिर लोग आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहा था। तो मैं भी शायद आ चुकी हूँ, जाने नहीं वाले। तो मैं कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत शौक हूँ कि समीर ने बहुत परेशान करी, सुबह से भी झगड़े करी, उनको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, सब अकेले अकेले प्लान करी, यानी मेरा ही जादू मेरे साथ खेल लिया जी, ऐसा देखते हाँ, आई और क्या क्या सरप्राइज सरप्राइज है उन लोगों को, खुद को भी नहीं पता, उन लोग को तक के नहीं पता मैंने क्या ली क्या नहीं, तो तुम्हारे साथ साथ उन लोगों के लिए भी सरप्राइज है, मैंने क्या ली क्या। चलिए इन समीर के साथ साथ आप लोग को मैं बता दे चलूँगी क्या आगे का सरप्राइज है और क्या लिया है मैंने क्या नहीं, तो वीडियो को आगे तक के देखिए। ठीक है, अच्छा हमको सिखा रिया है। तो गाइस ये है गोल्डन ढाबा जहाँ हम अभी जाने वाले हैं अंदर, पहुँच चुके हैं हम।
चुका है समीर का केक। ये है समीर के फ्रेंड्स, ये है समीर के भाई मामू और उनका फ्रेंड्स। चीटिंग करता है तू। ये बात तो भाग गई। कौन सा फोन चाहिए आपको? ना मैंने काट लिया, बता बोलो। वही ना मैंने। आपके सामने ही मैंने। मसाले वाला सूखा आता है ना? वो स्पाइसी वाला है। स्पाइसी वाला राइस ऑर्डर दिया। कौन सा फोन के लो? अभी आपने आपको बोला हूँ जवाब। अच्छा ठीक है भाई, अभी बोलो। 10 मिनट का ना भाई, केक से पहले हो गया 5 मिनट तो ही है ना, 10 मिनट ना कर दूँ। हमारे साजिद भाई बैठे शर्मा रहे हो? ये मेरा मामू है, ये मेरा भाई है यार। केक पड़ा है, अभी खाना चालू है। देखते समीन भूख लग रही थी। नाइस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चाइना, हैप्पी बर्थडे नहीं 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 नो नो भाई, सभी हम लोग खाना खा लिए, केक कटिंग हो गया, सब एंजॉयमेंट हो गया। अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो जो कपल खड़े हैं नीचे, जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल भराते देखते चलते। ये अभी लाइन में खड़े हम लोग, 1 2 3 14 नंबर हम लोग का। हमारे पीछे 2 जन और नंबर मेरे को। हाँ हाँ भाई, तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं। और समीर का जो फाइनल अभी इंतजार खत्म हो गया, सरप्राइज और बाकी इतने सरप्राइज की बात नहीं। हाँ, गिफ्ट क्या है चलिए दिखाते हैं आप लोग को भी, आप लोग भी इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो अभी दिखाते हैं हमने क्या लिया है समीर के लिए और समीर को कैसा लगा। मैंने हाँ मैंने पूरी मेहनत की मैंने, लेकिन कैसा लगा वो लास्ट में गिफ्ट देखने के बाद। जादू आज मेरे साथ में खुल गया, चलिए ना अच्छी बात है। समीर अभी पेट्रोल भराते खड़े, और ये है जावेद भाई और उनकी वाइफ, और ये जो है पीछे वो है शाहरुख भाई उनकी वाइफ, और ये है समीर। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है सब कुछ, पेट्रोल भरा के भी हो चुका है। अभी हम जा रहे दरगाह पे, जैसे पहले जाना था हो नहीं पाया था वो, तो अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे ज़्यारत करने, क्योंकि बर्थडे था समीर का। मैंने मॉर्निंग में सोचा था क्या जाना है, लेकिन नहीं हो पाया था। ऑफिस का समीर का भी लेट, क्योंकि मेरी भी थोड़ी लेट हुई थी इसलिए। तो अभी अलहमदिल्ला हो चुका है सब कुछ, खाना पीना, बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी हम जाते हैं ज़्यारत करते हैं थोड़ा, जैसे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, और साथ में हम गिफ्ट भी जो भी रहेगा वो ओपन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक है? और ब्लॉग को पूरा देखिए। हैप्पी से ही लाया जाएगा इनको, हैप्पी होता है। ये है जावेद भाई, गजब बेइज्जती है। ये है इनकी वाइफ, और ये है शाहरुख भाई और इनकी वाइफ।
और ये मैं गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माहिम। देखिए बस जा रहे हैं बंदर। समीर ने आज बहुत थका दिए और बहुत सरप्राइज ले लेके तो मैं थक गया हूँ। ये बंदी ने मेरे को बता ही धक्का नहीं था, मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान था और मेरे तो खड़ी लड़ रहे खड़ी झगड़े कर रहे तो बात नहीं करने गए। फोन रख दो थोड़ा कहा मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। इतना इतना दिमाग तो चला था मेरा, बल्कि बत्ती नहीं चली। आज होटल में बैठने के बाद बत्ती चली मेरी। क्या यार ऐसा मेरे से सरप्राइज है। जो आप लोग के साथ भी शेयर होगा क्या है वो क्यों बताओ? सरप्राइज अगर मैं बता दूँ तो सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? वो मेरे लिए है ना, मेरे बताएंगे। हाँ तो वही ना, बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी ना वही चीज़। तो माशाल्लाह पहुँच चुके हैं माहिम। देखिए भाई कुछ खाने पीने में मदद हो सकती है? 4 साल तो कुछ नहीं खाया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। जावेद भाई के लिए मदद। क्या कर रहे हो समीर? क्या कर रहे हो? क्या चोरी कर रहे हो? चोर चोर एक्टर क्या कर रहे हो? जैसे कि देख सकते हैं इसके बर्थडे में हम लोग आए थे तो उसको पूरा केक से उन्होंने काला पीला कर दिए थे, तो अभी तक ये नहाए नहीं, इसको बैनिश चैंपियन ला रहे। आगे के ब्लॉग में जाकर इसको कैसा निलाएंगे? व्हाट्सएप गाना है अभी ब्लॉग गाना क्या? अभी देख रहा है कौन सा साबुन चॉइस करूँ और कौन सा शैम्पू। तो जैसे कि ये लेंस आप लोग देख पा रहे हो उसकी वजह से मेरी आँख में हो रही है प्रॉब्लम। देखिए आज ये मेरा आई लुक था, दिख रहा होगा जैसे कि आपको पिंक एंड ब्राउन है, बट ब्राउन तो नहीं दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। एंड समीर कर रहे हैं, क्या समीर कर रहे हैं? मेरा लेंस निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वो पानी डाले इसमें। क्या हो गया लाड, बर्थडे खत्म? ठीक है, अभी हमारा बर्थडे खत्म हो गया तो समीम कृपया करके अपने लेंस उतार दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, हमारे शाहरुख भाई को गाली निकाल लीजिए। माशाल्लाह लगे जो भी है देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट। अब सुकून मिला मुझे, वैसे भी आँख में प्रॉब्लम हो रही थी तो निकाल दिया, अब हम चलते हैं। तो गाइस हो चुका है हमारी माँ की तैयारत करके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। माशाल्लाह जुल्फिकार देखिए, आप सब देख सकते हो जुल्फिकार लगी है। बाबा के दर पे एक नवी चीज़ आई है, जैसे कि आप मौलवी जी के जुल्फिकार देख सकते हो। ठीक है, ये सारी भाषा चल रहा है। बाहर जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं वो तो बताओ। अभी कहाँ जा रहे हैं? खाना खाएंगे क्या? बर्थडे बॉय के पास तुम्हारे बेटे ने खाना लाया तुम्हारे लिए। जज़ाकअल्लाह खैर, माँ साहब लंबी उम्र दे, सारी आपत बलाओं से सलामत रखे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। आमीन सुम्मा। ख्वाजा साहब के सिक्के में ये देख, बर्थडे खत्म हुआ, दिल से दुआएं दी। खाते चलो। तो इतना अच्छा वो कौन थी समीर? खाना खाएंगे कौन थे वो? तो जैसे कि यहाँ पर पार्किंग संभालते हैं, अपने बच्चों जैसे हम लोग को प्यार देते हैं, हम लोग उनको माँ करके बुलाते हैं।
माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं दी है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा जैसे आप लोगों ने देखा। तो अभी हमें खाना देना था गरीबों को, बट हम लेट हो गए थोड़ा, तो फाइनली एक बाबा मिल गए, समीर ने दे दिए उनको। तो अभी हम जा रहे हैं ये, तो अभी एक अंकल की समीर हेल्प कर रहे हैं टोचन मार के। हमारी भी कुछ शक्ल को हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेतला मीचान, समीर बैठे हैं यहाँ पे। वो थक गया हूँ मैं, भूख नहीं लेके परेशान हो गया हूँ, एकदम एकदम मेंटल हो गया हूँ मैं, इतने सरप्राइज इतने सरप्राइज। ठीक है फाइनली सरप्राइज वो जो हम मिल जाएगी वो देखने का टाइम आ गया है, तो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे मिठाई। ये हमारा पहला जोड़ा जिनकी बदौलत बादशाह थे हम लोग, ये हमारा दूसरा जोड़ा। मेरा नाम अलग है, कुछ मौका से फिटिंग है, कितनी सीटम मट्टी लगाया हुआ प्राइस देख के बात करो वाली है। अच्छा वो नहीं काटे ना नाखून से काम आ गया मेरे तो भी आपका आज आ रही है चालू ही नहीं थी छप्पा नहीं भाई। मेरा पहला गिफ्ट 9 साल में। अरे कहना क्या चाहते हो? पहला गिफ्ट है, बिना नाम वाला है, मोहब्बत होते इज्जत थी भाई। मैं ऐसे ही बता दूंगा कब है फोटो वाला। अरे यार कब लेके जाओ ना घर पे, मेरा मजाक। सुबह सुबह चाय इसमें भी हुआ मैं भी। चलो पैक कर दो, अब मिलते हैं हम अगले गिफ्ट में। ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाम दिखाओ नाम दिखाओ नाम दिखाओ नाम दिखाओ, गिफ्ट सीधा पकड़ो। नो 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 आई एम सॉरी, रात ज्यादा हो चुकी है ना, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा है। शाहजहां ने तो मुमताज को मरने के बाद दफना, तुम जिंदा ही दफना देना। वाह वाह वाह, हाँ ओके ओके ब्रो यस। ओ माय गॉड, उसके अंदर कचरा ना रहे लहसुन लहसुन का, इसमें लहसुन का छिलका है मेरी जान। लहसुन का छिलका, पापड़ और चिकन की ये लोचे तुमको तरसाने वाला हिसाब है भाई। लालच बढ़ेगी ना मेरी जान, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिमाग चलाता हूँ पास कैश करते हैं, पूरा रूट कैश करते हैं। बैक साइड है क्या ये रूट पे? दो एक और लालच भरा गिफ्ट, इंसान की लालच बढ़ती है मेरे। इसके अंदर भी कुछ है। I'm gonna let you go.
कॉल करके दिखा रहे वाह वाह अभी है अभी गिफ्ट है ये लास्ट है बोला गैस ने करो चूल्हा बना बोले ला चैन है चैन है बाटो चैन है या ब्रेसलेट है ओ रस्सी है गले की प्यार से बनो सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग जैसे आप लोग ने देखा और समीर बताइए कैसा लगा आपको गिफ्ट तो गाइस मैं तो बहुत शॉक में हूँ दिखाओ थोड़ी पतली है समरीन बिना मेरे साथ चले हुए किधर भी नहीं जाती तक मैं ना रहूँ समीर ने मेरे बर्थडे के लिए बहुत मेहनत करी माशाल्लाह बहुत मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होएगा बट थैंक यू सो मच दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी सोच रहा हूँ जब सोच रहा हूँ क्या मैं रोऊं क्या मैं हंसूं खुशी मनाऊं खुशी का दिन है हंसना है रोना नहीं है तो हाँ मैं सच में कहीं पे भी नहीं जाती हूँ जैसे हम लोग दोनों की बाउंडिंग अच्छी है ना पहले से तो हम लोग दोनों कहीं पे भी जाते हैं तो साथ में जाते मतलब कहीं पे भी घूमना हो गया कहीं भी फ्रेंड्स लोग के साथ अकेले कहीं पे भी नहीं जाती तो आज मैंने जो भी क्यों ना मतलब थोड़े दिन से काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही थी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जितना हो सका मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह समीर को पसंद आया मतलब चलो पैसा वसूल है और जो भी था मैंने खुद से अकेले गई शॉप पे ये वो जैसा आप लोग को बताया मैंने शॉप पे ऑलरेडी बात करके रखी थी पहले जा चुकी थी मैं सिर्फ मुझे गिफ्ट वगैरह कलेक्ट करना था और उसको रैप वगैरह करवाना था तो वो किया आज मैंने और ये था आज बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग तो कैसा लगा आप लोग को भी ज़रूर बताना मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा बर्थडे कैसा लगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतना सब कुछ करके और इंशाल्लाह आगे भी ट्राई करेंगे कि ऐसे ही करते रहे क्योंकि पूरा मतलब साल भर तो समीर ही मेरे को गिफ्ट देते आए और देते रहते हैं वो कुछ ना कुछ मेरे को समीर ने दी तो शौक कर हाँ तो साल में एक बार मैंने दी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं फिर भी चलो दे दी मैंने जो भी हुआ मुझसे तो ज़रूर बताना ये ब्लॉग कैसा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द हिट बेल आइकन ताकि हमारी जो भी न्यू ब्लॉग्स आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हिट हो और आप हमारी ब्लॉग सबसे पहले देख सके ठीक है तो कैसा लगा ज़रूर बताना नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करते हैं बट ऑफिस जाते हैं तो उसमें डेली रूटीन में हमें हो नहीं पाता है ब्लॉग करने का हम ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल के आप लोग को दिखाएं हमारे हम लोग का जो भी डेली रूटीन वगैरह का है इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते रहे निकालते रहे तो बस ऐसी हमें दुआएं देते रहिएगा समीर को भी दुआ देते रहिएगा वो ऐसी तरक्की करे और मैं भी तरक्की करूँ साथ में और आप लोग को जैसा है हम डेली रूटीन बताते रहे हमारा जो भी है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बहुत थक चुके हैं तो ये है समीर का आज का आउटफिट माशाल्लाह अच्छे लग रहे पीछे पीछे मुड़ो ये जैकेट मेरी पसंद का है पूरा ड्रेस ही मेरी पसंद का है जो हमने कल जाके शॉपिंग किया है लेट नाइट में अच्छा लग रहा है तो ये है गाइस समीन का आज मेरा और समीन का कॉम्बिनेशन वाला सूट तो आप देख सकते हो मैच मैच है समीन माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है इसमें बड़े दिनों बाद शर्ट में देखा मैंने उसको तो गाइस प्लीज बताना आप लोग को हमारा ड्रेसिंग कैसा लगा ड्रेस कैसा लगा और ये ब्लॉग भी देखिए और पूरा बताइए कि कैसा लगा ठीक है मैं तो सरप्राइज में था आप लोग भी सरप्राइज में रहिएगा जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़